तो कुछ दिन पहले ये लग रहा था कि श्रीलंका में अब शायद हो सकता है कि हालात सुधर जाएं, हालात पटरी पर आ जाएं, लेकिन अब एक बार फिर वहां तस्वीर बता रही है कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि श्रीलंका का ये संकट में क्या कुछ हुआ है, कब कब क्या क्या हुआ है, किस तारीख से पूरा बवाल शुरू हुआ। 15 मार्च 2022 को राजपक्षे परिवार के खिलाफ पूरे विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ये थी साल 2022 मार्च की 15 तारीख। खाने पीने की चीजों पर इमरजेंसी लगा दी गई, दाम काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जनता सड़कों पर उतरना शुरू कर चुकी थी। हिंसक प्रदर्शन के बाद आपातकाल वहां पर लगा दिया गया। ये बात है 2 अप्रैल 2022 की, जब वहां पर आपातकाल लगाया गया। 4 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री के बेटे समेत 26 मंत्रियों का इस्तीफा वहां पर हो गया था और फिर 7 अप्रैल 2022 को 5 दिन बाद वहां पर आपातकाल इमरजेंसी को वहां से हटाया गया। 5 दिन बाद 6 मई 2022 को हिंसक प्रदर्शन के बाद दोबारा वहां पर आपातकाल लगाना पड़ गया था 6 मार्च 2022 को, और उसके बाद 9 मई 2022 को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दिया, जिसकी मांग लगातार की जा रही थी। महिंद्रा राजपक्षे ने यहां इस्तीफा दिया और 9 मई 2022 को रनिल विक्रमसिंघे ने यहां प्रधानमंत्री का पद संभाला, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि हालात शायद सुधर जाए। 5 जुलाई 2022 को पीएम ने किया श्रीलंका के दिवालिया होने का ऐलान। जब प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने इस बात का ऐलान किया कि श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, तो उसके बाद से एक बार फिर वहां पर प्रदर्शन तेज हो गए, प्रदर्शन देखने को मिले, लगातार प्रदर्शन बढ़ते चले गए। और अब 9 जुलाई 2022 को प्रदर्शनकारी इस कदर बेकाबू हो गए कि वो राष्ट्रपति भवन के अंदर तक घुस गए। वहां राष्ट्रपति भवन पर, पूरे भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। वहां के कमरों में वो देखे गए, जिम में देखे गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे घर छोड़कर भाग गए। उनके इस्तीफे की मांग पर जो प्रदर्शनकारी लगातार अड़े हुए हैं, वहीं प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। जल्द ही वो इस्तीफा दे सकते हैं, ये स्पीकर ने बोला है कि 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसकी मांग लगातार प्रदर्शनकारी कर रहे हैं और उनका जो प्रदर्शन है वो और हिंसक होता जा रहा है। तो जनता के गुस्से की आग प्रधानमंत्री आवास तक भी पहुंची। प्रदर्शनकारी विक्रमसिंघे की निजी आवास में दाखिल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता में बैठे लोगों से जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। प्रधानमंत्री आवास से निकल रही ये आग की लपटें, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी घर में घुसे, तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिस घर को निशाना बनाया वो कोलंबो में बना विक्रमसिंघे का निजी आवास है। घर में आग लगाने की घटना से पहले सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। तैनात जवानों ने गुस्साई भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। उपद्रवी घर में घुस गए। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में फैली हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने प्राइवेट घर में आग लगा दी। जिस वक्त विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले किया गया, उससे पहले ही इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। घर के ऊपरी हिस्से से निकल रही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। तो कल श्रीलंका में दिनभर सड़कों पर हंगामा होता रहा। कैसे कल दिनभर बवाल हुआ, कैसे राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी दाखिल हुए, रिपोर्ट में देखिए। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आई। सहस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना ने सुरक्षा की दीवार बनाई, लेकिन वो आक्रोश की ज्वाला को नहीं रोक पाई। और इस तरह श्रीलंका में सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक पर जनता का कब्जा हो गया है।
जान बचाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे पहले ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए। भूखी जनता जब राष्ट्रपति भवन में घुसी तो सीधे रसोई का रुख किया। कोई आलीशान बिस्तरों पर आराम फरमाने लगा तो कोई स्विमिंग पूल में कूदकर तख्ता पलट का जश्न मनाने लगा है। लेकिन श्रीलंका के लोगों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को सड़कों पर उतार दिया, जिसके बाद कोलंबो समेत तमाम शहरों में हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। प्रदर्शनकारियों ने भी कई जगह लक्ष्मण रेखा भी लांघी, सत्ताधारी दल के सांसदों को पीटा। प्रदर्शनकारियों का जत्था गोल में चल रहे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच के स्टेडियम के बाहर तक पहुंच गया, लेकिन मैच में बाधा नहीं डाली। बड़ी बात यह है कि पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या समेत कई लेजेंडरी क्रिकेटर भी गोटा गो गामा और गोटा गो होम का साथ दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद श्रीलंका के तमाम विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है, लेकिन राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले गए। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति के सामान को नौसेना के जहाज में भरा गया है। श्रीलंका बीते कई दशकों की सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका का यह आर्थिक संकट वहां के विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से घटने से पैदा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से श्रीलंका जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा, जिनमें तेल, खाने पीने के सामान और दवाएं जैसी चीजें शामिल हैं। इस साल मई में वो इतिहास में पहली बार अपने कर्ज के किस्त चुकाने में नाकाम रहा था। कई जानकार मानते हैं कि इस स्थिति के लिए चीन जिम्मेदार है, जिसके कर्ज के जाल में फंसकर आज श्रीलंका चल रहा है। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।